नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजकुमारी ने नाश्ता कर लिया? इस खामोशी का क्या मतलब है? हुजूर के हुक्म के मुताबिक नाश्ता ले गए थे सरकार, लेकिन बड़ी राजकुमारी साहब ने नाश्ता वापस कर दिया। नाश्ता साथ ले आओ। नाश्ता ले चलो। राजकुमारी जी, इस बूढ़े डॉक्टर पर रहम कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इस नई दवा से बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। लीजिए। 5 साल से यही सुन रही हूँ। आज तक कुछ नहीं हुआ, आइंदा भी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए राजकुमारी जी। उम्मीद
उम्मीद सिर्फ धोखा है, मुझे धोखा नहीं चाहिए, फरेब नहीं चाहिए, मौत चाहिए। जहर क्यों नहीं देते आप मुझे? अब बाज बनकर बिस्तर में पड़े रहने से मौत कहीं अच्छी है। मरे आपके दुश्मन राजकुमारी, फिर ऐसी बात कभी मत कहिए। आपको मेरे बुढ़ापे की कसम, लीजिए। नहीं राजकुमारी, आप सब पुतले नजर आ रहे हैं, आप में से इंसान कोई नहीं? अरे भाई कुछ बोलिए ना, मेरा तो दम घुट रहा है। युवराज प्रताप सिंह जी, आप इस तरह कर सकते हैं? देवी, डिजाइनर्स इस बात को पसंद नहीं करेंगे। डिजाइनर्स आ गए तो? अरे सब पुतलों में जान आ गए। चलो अच्छा। शर्म की बात है, राजकुमारी होने के बावजूद भी आपने तमीज नहीं सीखी। सीखी और है ना, राजकुमारी को खेलना नहीं चाहिए। जी हाँ, आप एक महाराजा की बेटी हैं। अगर आपको मदारी बनने का शौक था तो किसी मदारी के घर जन्म लिया होता। भूल हो गई योर हाइनेस। क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब है मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जी हाँ। सॉरी योर हाइनेस। रंगीर की बदमाशी है सरकार, वो रियासत के भोले भाले लोगों को हजूर के खिलाफ भड़काता है। ये जलूस लाल टेकड़ी की तरफ जा रहा है। और उस तवाब अब तक हमारे नमक खा रहा है। यस योर हाइनेस। आज का प्रोग्राम सुना दिया जाए। यस योर हाइनेस। महाराजा सर बलबीर सिंह, सेना खास खेल शमशीर बहादुर दौलत इंग्लेसिया, KCIEOBE, रियासत हिम्मतपुर का हुक्म है। बेहतर होगा हिफाजत के लिए चंद सिपाही साथ ले जाए। कोई जरूरत नहीं।
हम करें और दौलत राजमहल में जाए, पानी की तरह खून हम बहाएं और ऐसे निकम्मे करें, ये हमारे हमदर्द नहीं दुश्मन है दुश्मन। भाइयों, हमें अगर शिकायत है तो उन सूरों से, उस राजगद्दी से जो इंसान इंसान में फर्क पैदा कर देती, लेकिन भाइयों अब हमें ये धोखा नहीं दे सकते। आप तो जानते ही हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रियासतों में बटा हुआ है, हमारा फर्ज है कि ये रियासतें आजादी के लिए खत्म कर दे। बोलो रियासत राज, जनता राज, आजादी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हमसे पहले हमारी वफादार रिया ने आपके मुंह पर तमाचा मारा। इनका सहारा लेकर आप हमारा मुकाबला करना चाहते थे, इनका सहारा लेकर आप लीडर बनना चाहते थे। मैं लीडर नहीं हूँ योर हाइनेस, मैं तो जनता का एक सेवक हूँ। आजादी हर इंसान का पैदाइशी हक है और वो उसे मिलना ही चाहिए। हमारी रिया को इस किस्म की आजादी नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग आपको छोड़कर चलेगा। अपनी तकलीफों को देखते हुए हर कमजोर इंसान ताकतवर से डरता है और यही वजह है कि ये लोग आपसे डर कर चले गए। लेकिन यकीन रखिए योर हाइनेस कि एक दिन इनमें भी आपका सामना करने की ताकत आ जाएगी। उससे पहले आपकी जबान बंद कर दी जाएगी। याद रखिए, आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो आपके साथ भी वही सलूक होगा जो एक दुश्मन के साथ होता है। इसे ले जाइए। सरकार, युवराज छोटे राजकुमार और छोटी राजकुमारी दर्शन के लिए पधार रहे हैं। युवराज प्रताप सिंह जी। यस योर हाइनेस। पोलो ग्राउंड का जलसा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा योर हाइनेस, मुझे जो भी लिख के दिया गया था मैंने वही पढ़ा। गुड। और आप? मीना बाजार का ओपनिंग किया योर हाइनेस। मजमा था? ये बड़ी भीड़ थी लेकिन वहां पे सब औरतें औरतें थी योर हाइनेस। अजब, आपको अब तक पता नहीं कि मीना बाजार में सिर्फ औरतें शामिल होती? आई एम सॉरी योर हाइनेस। और आप राजकुमारी आशालता देवी? गीता सम्मेलन के समारोह में गई थी योर हाइनेस, लेकिन मैंने वो तकरीर नहीं की जो मुझे लिख के दी गई थी। क्यों? सभा के लोग मेरे विचार जानना चाहते थे। आपके विचार कोई माने नहीं रखते, आपको वही कहना चाहिए जो हम चाहते हैं। आइंदा इस किस्म की हरकत ना हो। गुड नाइट। Yes? हम कुछ कहना चाहते हैं योर हाइनेस। आप सब? नो योर हाइनेस। यानी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी। आप जा सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट योर हाइनेस। गुड नाइट। फरमाइए। हम कार्निवल देखना चाहते हैं योर हाइनेस। जी हाँ, लेकिन आम लोगों के साथ कार्निवल देखना हमारी शान के खिलाफ है। लेकिन योर हाइनेस। गुड नाइट। गुड नाइट। छोटी राजकुमारी क्या कर रहे हैं? वो तो कब की सोई गई है हजूर, हुक्म हो तो जगाई दे। कोई जरूरत नहीं। ओ बाबूजी, कहाँ इंतजार करे थो माँ बेबे भागा। ए लड़की, कौन है तू? चल भागे यहाँ से। अच्छा, हमका भगाई दिया थो, सोच ली हो आखिर मैं तुमका पछताए का पड़ी। चल चल अपना रास्ता ना। रणधीर। अरे आशा, तुम ये क्या सॉन्ग रचाया तुमने? क्या करती, कार्निवल का बहाना फेल हो गया इसलिए राजकुमारी से नौकरानी बन गई। कैसे लगती हो? अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हें इस तरह आना नहीं चाहिए था, ये हमारी सभ्यता। ए लीडर, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई, चलो कार्निवल देखें। घबराओ नहीं, कोई नहीं पहचानेगा। वेलकम डॉक्टर संजय जी, मैं हिज हाइनेस का एजेंट हूँ संजीत सिंह। बड़ी खुशी हुई आपसे। आइए, हिज हाइनेस आपके मुंतजिर हैं। चलिए। डॉक्टर संजय, आप इससे पहले भी कई रियासतों में जा चुके होंगे। जी नहीं, ये मेरा पहला इत्तेफाक है।
तो बेहतर होगा कि मैं आपको महल के आदाब बता दूं। जी हाँ जरूर, मुझे बड़ी खुशी होगी। जब आप हिज हाइनेस के सामने जाएं, तो इस तरह छुपकर 3 बार सलाम कीजिए। और अगर 4 बार हो जाए तो? जी नहीं, ये दस्तूर के खिलाफ। अच्छा। जब तक हिज हाइनेस आपको बैठने की इजाजत न दें, आप खड़े रहिए। ओह आई सी, लेकिन हिज हाइनेस से ज्यादा देना भूलेंगे तो नहीं? और अगर हिज हाइनेस आपसे कोई सवाल पूछे तो खड़े होकर जवाब दीजिए। बस या और कुछ? दैट्स ऑल, आइए। चलिए। योर हाइनेस, डॉक्टर संजय। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। गुड मॉर्निंग। आपकी शोहरत सुनकर हम समझे थे आप ज्यादा उम्र के होंगे। शोहरत के लिए बाल सफेद होना जरूरी नहीं योर हाइनेस। ओह आई एम सो सॉरी, आपकी इजाजत के बगैर मुझे बैठना नहीं चाहिए था। इसमें हम आपको दोष नहीं देते डॉक्टर संजय, बैठ जाइए। थैंक यू। दरअसल आजकल के लोग हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी तहजीब को भूल रहे हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में हर इंसान का दर्जा बराबर है, लेकिन ये गलत है। ये गलत नहीं है योर हाइनेस, आजकल के लोग अपना अपना हक समझने लगे हैं। और दर्जी से खबर दे दी गई कि डॉक्टर साहब यहाँ है। यस योर हाइनेस। एग्जामिन करने से पहले मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपका मतलब है राजकुमारी? जी हाँ। क्या जानना चाहते हैं? आपका यहाँ होना जरूरी है क्या? जा सकते हो। यस योर हाइनेस। कहिए। आप लोगों से कई बार कहा गया कि इस कमरे में शोर न मचाया जाए, राजकुमारी को तकलीफ होती है। आप इस रियासत के युवराज हैं। I'm sorry. आइए डॉक्टर। राजकुमारी ये हैं डॉक्टर संजय। नमस्ते राजकुमारी जी। शायद इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, आप थकी हुई मालूम होती है। योर हाइनेस अगर राजकुमारी जी थक गई हैं, तो मैं बाद में एग्जामिन कर लूंगा। जी नहीं, अभी देख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं और इसकी भी नहीं। मैं जानता हूं आप चल नहीं सकती, मैं यहां आपको अच्छा करने आया हूं। मैं अच्छा होना नहीं चाहती। राजकुमारी ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप नहीं जानती कितने बड़े डॉक्टर हैं, क्या आप अच्छा होना नहीं चाहती? नहीं। लेकिन हम चाहते हैं, जो कुछ ये पूछे उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। राजकुमारी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग। राजकुमारी जी इंजेक्शन? नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैं तंग आ चुकी हूँ, मेरा सब चल रहा है। राजकुमारी जी आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी नहीं, है। नहीं चाहिए मुझे इंजेक्शन। ये क्या बचपना है, इंजेक्शन दीजिए डॉक्टर साहब। ये सुर है ना डॉक्टर साहब, ये कौन सा इंजेक्शन है? B12 ताकत के लिए। मेरा ख्याल है ये इंजेक्शन रोका जा सकता है, मगर इस हाइनेस का हुक्म है कि दवा इंजेक्शन वक्त पर दिए जाए, इसलिए मैं कदूली नहीं कर सकता। हमारा ख्याल है डॉक्टर संजय की योर हाइनेस, अगर आप डॉक्टर का काम डॉक्टर को सौंप दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इंजेक्शन रोक दीजिए। योर हाइनेस मत दीजिए इंजेक्शन। जो योर हाइनेस मैं राजकुमारी जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। लेकिन आपकी मौजूदगी में मेरे लिए जरा। आपका मतलब है कि? अच्छी बात है, हम स्टडी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अब यहां कोई नहीं है, बताइए क्या शिकायत है आपको? मैं चल नहीं सकती। ये तो मैं जानता हूं, लेकिन अब चल नहीं सकती इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यही कि मुझे चलना नहीं आता, मेरे पाँव में जान नहीं है। लेकिन आपने चलने की कोशिश तो की होगी? शुरू में की थी। और फिर छोड़ दी? क्यों छोड़ दी? ये कोशिश बेकार मालूम हुई। हाँ। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे सामने कोशिश कीजिए तो आप मेरी बात मानेंगी? मैं आपकी मदद करूंगा। ये रहे मेरे पांव, शौक से देख लीजिए, लिख दीजिए ढेर सारी नई दवाएं इंजेक्शन, वो फौरन मंगवा दी जाएंगी।
इस हाइनेस से कह दीजिए कि इन दवाओं से राजकुमारी बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। अपनी फीस ले लीजिए और तशरीफ ले जाइए। मालूम होता है दवाओं से आप तंग आ चुकी हैं। मुझे नफरत हो गई है, लेकिन यहाँ मेरी कोई नहीं सुनता। मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग सब मुझे जिंदा रखना चाहते हैं। सिस्टर। यस डॉक्टर। ये सारी दवाएं यहाँ से फौरन हटा दी जाएं। बहुत अच्छा डॉक्टर। अब तो आप खुश हैं? डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, नहीं तो वो इलाज कैसे करेगा? सुनिए, मुझे दवा नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, इलाज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे आराम से मरने दीजिए। मैं एक डॉक्टर हूं, आपकी ये मांग पूरी नहीं कर सकता, ये मेरे पेशे के खिलाफ है। मौत के अलावा और जो कुछ भी आप चाहें मांग सकती हैं। क्या चाहिए आपको? तन्हाई। आप तशरीफ ले जाइए। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप बहुत थक गई हैं, आपको आराम चाहिए। राजकुमारी जी, जूस पी लीजिए। अगर आपको जूस पसंद नहीं तो मत पीजिए।